दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वालमास्ता जो बर्जर कंपनी का है वालमास्ता प्राइमर, उसकी क्वालिटी बताएंगे कि उसकी क्वालिटी कैसे है और फर्क भी बताएंगे जो सिंपल वालमास्ता ये जो सिंपल प्राइमर आता है और जो वालमास्ता प्राइमर आता है उसकी क्वालिटी का कितना फ़र्क है। ये इस एरिया में हम सिर्फ वालमास्ता प्राइमर ही लगा रहे हैं, वालमास्ता प्लास्टिक नहीं, वालमास्ता प्राइमर जो नया प्रोडक्ट आया बर्जर कंपनी का उसकी क्वालिटी ऐसी है कि मान लो प्लास्टिक ही है एक तरह से, वो प्लास्टिक और प्राइमर दोनों ही है। और ये देखिए ये छत में पीओपी में दिखाइए, ऊपर दिखाइए, ये छत में दोस्तों ना हमने पुट्टी किया कुछ नहीं किया, सिर्फ दो कोट वालमास्ता प्राइमर किया। देखो इसकी फिनिशिंग, ये दीवारों की भी फिनिशिंग दिखा दो, एक बार घूम कर दिखा दो इनको कैमरे में। ये देखिए दोस्तों ये हमने कोई प्लास्टिक नहीं किया, सिर्फ ये प्राइमर ही है, सिर्फ एक कोट छत में दो कोट किया है और दीवार में एक कोट। अब इसकी हम क्वालिटी का फ़र्क दिखाते हैं, जो सिंपल प्राइमर है और जो वालमास्ता प्राइमर है वाइटनेस इसकी कितनी है और जो सिंपल है वो कितनी है। ये देखिए दोस्तों ये सिंपल प्राइमर है, ठीक, इसमें इसकी वाइटनेस देखो, और ये जो वालमास्ता प्राइमर है इसकी वाइटनेस दिखाता हूँ मैं। पहले हम इंटीरियर में ये यूज़ कर रहे थे लेकिन जब इसकी फिनिशिंग हमने देखी तो हम एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों में ही हम वालमास्ता प्राइमर जो एक्सटीरियर है उसकी फिनिशिंग देखकर सारा यही यूज़ कर रहे हैं। ये देखो दोस्तों मैं हाथ में दिखाना चाहता हूँ, कैमरा पास से दिखो, ये देखो दोस्तों कितना फ़र्क है। आपको कैमरे में शायद अगर नहीं दिख रहा होगा, मेरे कैमरे की क्वालिटी शायद दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाँ देखिए दोस्तों ये कितना बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। अभी ये देखो बाल्टी में जो है ये हमारा है यही, और ये देखिए एक बार और दिखाना चाहूँगा, ये देखो दोस्तों इसकी दोस्तों फिनिशिंग बहुत अच्छी है और जो इसकी क्वालिटी है ये साइड ग्लो करता है, जैसे जो लाइट वगैरह लगी होती है वो हल्का सा अगर तिरछे से देखें तो उसमें शाइन भी है, इसमें हल्का सा ग्लो है, शाइन तो नहीं कह सकते, ग्लो कह सकते हैं। और जो सिंपल प्राइमर होता है उसमें किसी में भी ग्लो नहीं होता, तो इसलिए दोस्तों मेरे जो सजेशन है अगर प्लास्टिक पेंट नहीं करवा रहे हो, अगर छत में दो कोट इसका मार दिया और प्राइमर का अगर दीवार में एक कोट मार दिया तो प्लास्टिक पेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपल ये प्लास्टिक पेंट सोच रहे हो करवाने के लिए वालमास्ता या कोई भी जैसे डूलस का प्रोमिस हो गया, अगर हाँ लग्जरी इमल्शन करवा रहे हो तो उसका तो मुकाबला ये नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें तो ग्लोसी बहुत होती है, चमक भी होता है। तो अगर नॉर्मल पेंट अगर आप करवाना चाहते हो तो सिर्फ आप वालमास्ता प्राइमर का ही दो कोट करवा दो, आपको प्राइमर की भी बचत होगी और ये प्लास्टिक पेंट की भी बचत होगी, मतलब प्राइमर और प्लास्टिक पेंट ये दोनों हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।